हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मैंगो कपकेक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है और यकीन मानिए बिल्कुल परफेक्ट मैंगो कपकेक बनके तैयार होगे। परफेक्ट मेजरमेंट और कुछ ऐसे टिप्स है जिससे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपके भी कपकेक बिल्कुल जालीदार और बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गए। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंगो कपकेक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैंगो। मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट करके इसमें मैंगो ऐड किया है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी और मैं इसमें 1/2 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपका आम काफी मीठा है तो आप इसमें चीनी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद अब हम इसे कर लेंगे ग्राइंड। ग्राइंड करते समय ध्यान रखें इसे बिल्कुल अच्छी तरह से पीस ले, इसमें बिल्कुल भी काटे ना हो, तो इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से इसे पीस ले। मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें आप देख सकते हो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है काटे। अगर आपको लगे कि भाई थोड़े बहुत इसमें काटे है तो आप इसको छलनी में से छान ले। और अब हम लेंगे एक बॉल और इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप मिल्क। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसमें नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी तरह से कर ले इसे मिक्स। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मैंगो जो हमने ग्राइंड किया था। मैंगो डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल और मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप ऑयल। मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, किसी भी फ्लेवर का ऑयल इसमें बिल्कुल ना डालें। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और अब हम विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से कर लेंगे इसे मिक्स। मिक्स करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप इसे मिक्स करें ना तो एक ही तरफ घुमाते हुए इसे मिक्स करें, ऐसा ना करें कि उल्टा पुल्टा इसे घुमा दे। मिक्स करने के बाद अब हम लेंगे एक छलनी और इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैंने इसमें 1/4 कप मैदा का इस्तेमाल किया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। 1/4 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। 2 पिंच इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट मीठे को बैलेंस करने के लिए। तो अब हम सभी को अच्छी तरह से छान लेंगे। एक जरूरी टिप, जब भी आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे को जब चम्मच में भरते हैं तो ध्यान रहे जब भी आप चम्मच को भरे ना तो भरने के बाद क्या करें, ऊपर से बिल्कुल अच्छी तरह से इसे फ्लैट कर ले, क्योंकि एक्स्ट्रा हमें इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा बिल्कुल नहीं डालना है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। सभी को छानने के बाद अब हम कर लेंगे इसे विस्कर की हेल्प से मिक्स। आप देख रहे हो इसे मैं एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर रही हूँ, इसी तरह से आपको घुमाते हुए एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करना है, उल्टा पुल्टा इसे बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो इसमें बबल्स बिल्कुल नहीं बनेंगे और जो आपका केक है वो बिल्कुल भी फूलेगा नहीं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इसे एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करें। और हाँ, इसे ओवर मिक्स भी बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने ओवर मिक्स कर दिया तो ये बिल्कुल भी बेकार हो जाएगा आपका केक। मुझे ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें मिल्क और मिल्क डालने के बाद अच्छी तरह से फिर से इसे मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद आप इसका बैटर देख सकते हैं, बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का आपका बैटर बनके तैयार होना चाहिए। मैंगो कपकेक बना रही हूँ तो मुझे इसमें थोड़ा सा कलर कम लग रहा है तो मैं इसमें फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इस तरह से थोड़ा सा फूड कलर डाला है और फूड कलर डालने के बाद अच्छी तरह से कर लूँगी इसे फिर से मिक्स। अगर आपको फूड कलर नहीं डालना है तो आप इसे स्किप कर दें। बैटर रेडी करने के बाद अब मैं ले रही हूँ कपकेक के मोल्ड्स। मेरे पास इस तरह से सिलिकॉन के मोल्ड्स है तो मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास मोल्ड्स नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप कटोरी ले सकते हैं या फिर जो चाय के कप आते हैं ना कागज़ वाले, तो उनका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम बैटर को डालेंगे मोल्ड्स में। ध्यान रहे इसे बिल्कुल भी ऊपर तक ना भरे। आप देख रहे हो मैंने सभी मोल्ड्स में 1/2 बैटर डाला है, तो इसी तरह से आपको बिल्कुल 1/2 इसमें फिल करना है। बैटर डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, सभी मोल्ड्स को इस तरह से टैप टैप कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो इसके एयर बबल्स है वो निकल जाएगी। कपकेक को डेकोरेट करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इस पर डाल रही हूँ थोड़े से चोको चिप्स, क्योंकि बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा इसमें टेस्ट भी आता है। और अब हम करेंगे इसे OTG में बेक। बेक करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप इसमें बेक करें तो OTG को 10 मिनट के लिए पहले ही प्रीहीट कर लें। जब भी आप बैटर बनाना स्टार्ट करें तभी आप इसमें टाइम सेट कर दें 10 मिनट का, और 10 मिनट में ये प्रीहीट हो जाता है और 10 मिनट में ही आपका बैटर बनके रेडी हो जाता है। और अब हम इसमें 25 मिनट का टाइम सेट करेंगे, डबल रोल रखेंगे और 180 डिग्री पे इसे बेक करेंगे। और ये लीजिए 25 मिनट हो चुके हैं। 25 मिनट के बाद हमारे जो कपकेक है वो बनके हो गए रेडी। तो आप इस तरह से एक बार चेक कर सकते हैं इसे टूथपेस्ट से, आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन निकली है, तो यानी कि हमारे जो कपकेक है वो बिल्कुल रेडी है। कपकेक निकालने के बाद थोड़ा सा हम इसे ठंडा होने देंगे और ठंडा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और आप देख सकते हो जो हमारे कपकेक है वो बिल्कुल फुले फुले, बिल्कुल फ्लफी और काफ़ी जालीदार बनके तैयार हुए। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। और इस तरह से आप कपकेक बना सकते हैं, बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं।
आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई करूंगी। और हाँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले न्यू वीडियो बनाने का। और मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए, आप देख सकते हो जो हमारे कपकेक है वो बिल्कुल जालीदार बन के तैयार हुए। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से घर पर बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।